देखो, मैं कौशिक विकास इस गाने का राइटर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में दो ही चीज़ ऊपर तक लेके जाती हैं, एक तो सीढ़ियाँ, दूसरी मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग हम पे अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा बना के रखें, हमें ऊपर तक आप ही लोग लेके जाएंगे। और सबसे ऊँची फकीरी है, और मुझे पता है आप सब जितने भी लोग हो ना, इतना ज़्यादा कुछ आप लोगों को मिलता नहीं है। आप सब लोग फकीर लोग हो जो दुनिया के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। स्टार कोई होता नहीं है, आप लोग बनाते। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। आप लोग सबसे बड़ी चीज़, और वो जो फकीरी वाली बात जो यहाँ पे है ना, वो आप सबके लिए, वो उन सब लोगों के लिए जिन्हें इस दुनिया से वैसे कोई मतलब नहीं, मतलब वो स्वार्थ से हटके जो भी काम करते हैं, जो उसको मानता है, जो मानवता को मानता है। आज आप देख रहे हो कहीं हिंदू के नाम पे झगड़े हैं तो कहीं मुसलमान के नाम पे झगड़े हैं, कहीं सिख के नाम पे झगड़े हैं, कहीं ईसाई के नाम पे झगड़े हैं। उनसे जो परे है, जो उनसे हटके है, वो है फकीरी, और वो हम इस गाने में लेके आ रहे हैं। मैम ने उस गाने को पसंद किया, अपनी आवाज़ दी। हम तो जर्रे हैं लेकिन इनका तो जलवा है। जी मैम, तो मैम आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गाना तो मैंने बहुत गाया अभी तक, अलग अलग लैंग्वेज में भी गाया, बट विकास ने जो लिखा, लिखने के बाद जानिसार जी ने जो कंपोज़ किया, क्योंकि सब चीज़ जब इक्वली अच्छा होता है तभी जाके एक अच्छा चीज़ निकलता है। तो गाना जब मैंने गाया, मुझे लगा ना ये एक डिफरेंट सॉन्ग है, और लिखा बहुत ही अच्छा है, एक मीनिंग है इसमें। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल लोग, ह्यूमनिटी जो होता है ना, वो एक शिखर में पहुंचने के बाद भूल जाते हैं कि हम भी नीचे थे, या ग्राउंड में देखना चाहिए। मीन्स कि आप बड़े हो गए तो आप भूल गए कि मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत फेमस हूँ, लेकिन नीचे के लोगों के साथ जुड़ के रहोगे तो आप और ज़्यादा अमीर बनोगे। तो इस गाने में हम यही दिखाने की कोशिश। जी सर, तो आप क्या कहना चाहते? मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, उसमें एक्टिंग करता हूँ, और कुछ नहीं। किसका एक्सपीरियंस है आपका? पहला एल्बम है, तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा मेरा, और हमारे डायरेक्टर जानिसार सर, तो बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करके। बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन देखा मेरा ना, तो ज़्यादा करके मुंबई का ही लोकेशन था। हाँ, मुंबई में भी और आसाम में भी इसका शूट हुआ। इंडो लोकेशन जो है वो आसाम में है, पूरा आसाम में शूट हुआ है। बाकी लोग भी आसाम के हैं, जो भी मेकअप आर्टिस्ट बोलो, हेयर स्टाइलिस्ट, एक बॉम्बे के भी है, आसाम के भी, मिक्स है सब। सबने मिल के बहुत मेहनत किया है। मैम, डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? जी, डायरेक्टर ही, वीडियो डायरेक्टर भी जानिसार साहब है, और म्यूजिक डायरेक्टर भी जानिसार साहब है। तो उन्होंने दोनों चीज़ बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, बहुत अच्छे से किया है। मीन्स ऐसे कमी दोनों में नहीं है, सिंगिंग म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा। बाकी आप लोग बताओगे कि मैंने क्या किया, मैंने अच्छा किया कि नहीं, गाया कि नहीं, बस वही है। मैं जानिसार साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो जो शख्सियत हैं, वो इस तरह की शख्सियत हैं कि मुझे फकीरी मिली है बुजुर्गों से विरासत में। जो आपने उस पर एक टैग लाइन देखी होगी कि मलंगा सबसे ऊंची यार फकीरी, तो मुझे फकीरी मिली है बुजुर्गों से विरासत में, मैं उसी के दम पे रईसी का मजा लेता हूँ। वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते, उन्हें सिर्फ क्वालिटी वर्क करना। और एकमात्र ऐसे इंसान, ऐसे कलाकार मैंने इस शहर में, इस मुंबई शहर में, जिसे आर्थिक राजधानी के तौर पे हम लोग जानते हैं, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक भेड़ चाल लगी हुई है, कितना बजट, कितना ये वो सब, लेकिन उनका अलग ही है। वो पैसे के लिए नहीं, वो कला के पीछे भाग रहे हैं। तो जानिसार साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। आपसे जानना चाहूंगा, जो है आपने गाना भी गाया है, गाने में फीचर भी किया है, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए और कौन सा पार्ट इजी था? देखिए, अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मेरे लिए तो पूरा ही गाना डिफ़िकल्ट था। एक्चुअली मैं इस तरीके से कभी नहीं निकली हूँ, हमेशा मैं एक डिफरेंट स्टाइल में निकली। इसमें मैं एक कैरेक्टर में बहुत रॉक स्टार हूँ, और एक मैं एक मलंग काइंड ऑफ, मीन्स जो भी नॉर्मल लोगों के साथ घूम रही हूँ, खा रही हूँ, तो दो कैरेक्टर था। और मुझे लगा मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे नहीं पता था। पर जब मोहम्मद अली रोड में हमने इसको शूट किया बॉम्बे में, वो रमज़ान के वक्त था, जो आपको पता है मोहम्मद अली में कितना ट्रैफिक होता है, लोग होता है, उसके अंदर हमें शूट करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था, और हमने किया, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो एज अ एक्टर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सिंगिंग तो हमने सभी बहुत ही
लेकिन एज अ एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए मुझे शौक है, मैं खुद गाऊं तो मैं खुद निकलूं, हमेशा मुझे शौक है कि मैं खुद निकलूं। फिल्मों में जो गाने गाए हूं तो उसमें तो खुद निकल नहीं सकते हैं, वो तो हीरो हीरोइंस रहते हैं। तो इसमें मुझे वो मौका मिला कि मैं खुद अपना एक थोड़ा स्टाइल दिखा पाऊँ, मुझे भी थोड़ा स्टाइल में निकलना शौक है, तो इसमें वो सपना पूरा हुआ है मेरा एक्चुअली। जी आपसे जानना चाहूँगा एज एन एक्टर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था, अगर उस बारे में कुछ बताएं। मेरा जो कैरेक्टर था बहुत टफ था, इसमें गिटार बजाना था तो बाकी जो थे तो म्यूजिशियन थे, तो मैं तो एक कलाकार, तो कलाकार के रूप में ही मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया। तो हमने देखा कि रॉकस्टार की भी झलक आ रही थी, ऐसा कोई है जिससे आप इंस्पायर होते हैं? इंस्पायर तो किरदार के लिए इंस्पिरेशन ली हो आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान सर के पास, वो भी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, वो तो जानते ही है कैसा है, उन्हीं के पास में तो हमने सीखा ये सब। और देखिए सबसे बड़ी फकीरी क्या हम लोग यहाँ सब आप लोगों के सामने, लेकिन जानेसार साहब अभी यहाँ मौजूद नहीं, नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि मैं ये है फकीरी जो कि अभी तक। और मैं चाहूँगा कि जानेसार भाई यहाँ पे आए हम सबके साथ, हम लोगों के बीच, और अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करें। ये इससे बड़ी फकीरी क्या होगी, कोई दूसरा होता क्या करता, यही खड़ा होता और हम लोगों को बोलने भी नहीं देता, और ये आप सब लोग जानते हैं, आप देखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम कि आप आए, और ज़्यादातर तो हमने बहुत सारे गाने किए, फैमिली मैन में म्यूज़िक किया, अभी मेरा गाना आया था रूबरू गिनीवर्ड सनी में, जो बेस्ट सूफी सॉन्ग ऑफ द ईयर मिर्ची अवार्ड्स में। लेकिन हमने सोचा कि कई जगह पे भी मिलना, वो बोलते हैं ना कि बाहर से मिलना हो, बाहर से निकल गए, हमने सोचा इस कारण आप हमसे मिल भी पाएंगे और आगे भी हम लोगों का भी एक रिश्ता बनेगा। देखिए विकास जी ने बहुत ही प्यारा गाना लिखा, धर्म जात की तोड़ जंजीरा उड़ता फिरे परिंदा, सबकी मांगे खैर दुआ विच वही खुदा दा बंदा। ये ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश है उससे सब कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, तो अच्छा वही है जब आप सबके लिए अच्छा सोचें। और ये दुनिया जो है, मतलब अरबी में कहते हैं कि इसको ऊपर वाले ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सारे इंसान एक दूसरे के काम आए, तो ये गाने को हमने गाने की तरह नहीं बनाया, गाने हमने बहुत बनाए हैं, लेकिन इस गाने को एक मैसेज के तौर पे रखा है, ताकि जो अभी निज़ाम बन रहा है पूरी दुनिया में एलिनेशन का, जात पात ये वो, उससे ऊपर कोई चीज़ है जो इंसानियत है, कि हम कितना, जो ऊपर वाले ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया, हम सब मिलके और इसको इतना खूबसूरत बनाए कि आने वाले जो जनरेशन्स है वो ये सोच के जाए कि हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने इस दुनिया को कितना अच्छा बना के रखा है। कई बार हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार, अपने मकान के आसपास हम साफ सफाई करते हैं और जो भी गंदगी वो बाहर फेंकते हैं, हम बोलते नहीं, लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि पूरा देश हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है, तो तब ये देश दुनिया सब अच्छा होएगा। इसके लिए इस मैसेज को लेकर उन्होंने बड़ा, इनका बड़ा योगदान है। हमने तो पहले बैठे थे नॉर्मली, जब इन्होंने कंपोज कर रहा था, इन्होंने लिखा, तब ये बात जहन में आई कि ये फिल्मी गाना नहीं है, ये पूरी दुनिया का गाना, एक बड़ा मैसेज बन सकता है आपके सहयोग से, अगर आपका अच्छा साथ रहा और ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एक मैसेज की तरह, क्योंकि एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, ग्लैमर ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सिनेमा का बड़ा काम ये होता है कि एक अच्छी मैसेज लोगों तक पहुंचे। और आर्ट तो ऐसी चीज़ है कि इसमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, कि हमको पासपोर्ट की ज़रूरत है दूसरे देश में जाने की, ये गाना आज डिजिटल होगी है दुनिया तो सब तक पहुँचेगा, और इंशाल्लाह आपके प्यार से जितना प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एज अ डायरेक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था टू पोर्ट्रेट, मतलब इस तरह का विजुअल दिखाना, साथ ही मैसेज भी जो है लोगों तक पहुँचाना? जी तो एक्चुअल में ये है कि ये गाना थोड़ा, अगर आपने देखा होगा, म्यूज़िक जो है बड़ा मेटल है, और जिसकी वजह से हमने नॉर्थ ईस्ट को सोचा, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक में लोग बहुत आगे, उसके साथ साथ फिर वो महमूद अली की गलियाँ, जो लोग वहाँ गरीब होते हैं उनके साथ उठना बैठना, जैसे रानी जी का आपने देखे दो लुक है, एक वो स्टेज में गा रही है, जो वो आम लोगों के साथ वो ये सोच रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जब मैं गा रही थी, और लेकिन जो मज़ा, वो बोलते हैं ना कि यहाँ पर हम बैठते, जब हम खाने में नीचे बैठते होता है, नीचे बैठ के खाओ, क्योंकि नीचे बैठने से गिरने का डर नहीं रहता, जितना अपन अपने आप में एक विनम्रता रखेंगे, ह्यूमिलिटी रखेंगे, उतना अपने को खुद को सुकून मिलता है। तो डायरेक्शन का तो ये है कि गाना खुद ही बोलता है मुझे क्या चाहिए, हम उतना बड़ा कुछ कर नहीं पाए उसमें कि एक्टिंग वाइज आप बोले या बड़ी कोई स्टोरी लेके आए, सिंगर की कहानी है, एक सिंगर को हमने ये कोशिश की है कि वो एक सिंगर ही, जो म्यूज़िक वीडियो होता है वो सिंगर का होता है, फिल्म होगी तो वो हीरो उसमें वैसे कलाकार, लेकिन गाना सिंगर की वजह से ही चलता है। और इन्होंने बहुत ही प्यारा गाया, बहुत ज़बरदस्त गाया,
एक्टिंग की, क्योंकि म्यूज़िक में ऐसा है कि वो सोल होती है, इनको मालूम है कि कहाँ पे क्या चाहिए, कैसे गाना है, है ना। तो जब एक्टर गाता है तो वो ये होता है कि वो सिंगर को कितना फॉलो कर पा रहा है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा निभाया है। तो क्या आपका ये आइडिया था कि मैम को ही फीचर करना चाहिए सॉन्ग में? हाँ, वो तो जब इन्हें गाया तभी समझ में आया कि इनको ही गाना चाहिए, इनको ही इसमें निकलना चाहिए गाने में, सो देट वो ओरिजिनलिटी उसमें रहे। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस जो आप लोगों को देख रही है? बस यही कहना चाहेंगे कि गाने को सुने ज़्यादा से ज़्यादा और उसको समझे, सुनने से ज़्यादा समझे कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं, उस बात को समझे ताकि सब चीज़ हमारे बीच बहुत अच्छा हो। थैंक यू। गाना रिलीज कब हो सकता है, किस तरह से आगे? गाना आज हमने रिलीज़ कर लिया है, पूरी जो हमारी AR म्यूज़िक स्टूडियोज़ म्यूज़िक कंपनी है, कश्मीर की पहली म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है और कश्मीर में हमारी जो कंपनी है नंबर वन है, और आपके बदौलत अगर साथ रहा तो यहाँ पे नंबर वन बनेगी, क्योंकि हमने म्यूज़िक को इसलिए नहीं बनाया है कि हमको म्यूज़िक को बेचना है, हम इससे प्यार करते हैं, हम समझते हैं कि कलाकार पैदा होते हैं और कलाकार को भगवान ने इज़्ज़त बख्शी है, और वो इज़्ज़त तब तक है जब तक हम उसको सरस्वती समझे, जब तक हम संगीत को इबादत समझे वो तब तक वो है। तो हमने उसी इबादत की तरह ही इसको लेके हम अच्छा करना चाह रहे हैं। रानी जी के साथ लोग आप आगे भी देखने मिलेंगे? हम आगे भी, ये मेरी वाइफ है, ऐसा नहीं कि, और वाइफ इसलिए है क्योंकि वो अच्छी सिंगर है जी। वो अच्छा गाते हैं, संगीत से प्यार करते हैं, तभी हमने शादी की, क्योंकि ताकि जितनी मैं इज्जत संगीत को करता हूँ, क्योंकि इनकी फैमिली है भूपेन हजारिका, इनकी डायनास्टी इतनी बड़ी है म्यूज़िक में, वो बोलते हैं इन्होंने खाया पिया ही म्यूज़िक का ही है। अभी वेलकम बैक में भी इनका गाना था, सब हमने भी बहुत सारे गाने किए हैं, तो ये गाना इसलिए नहीं इनको दिया कि मेरी वाइफ है इसलिए गवाया, क्योंकि ये गाना इनका गाना है। अरे बहुत गाने जो इन्होंने बनाया है मैं गाती हूँ, लेकिन आगे जाके फिर मैं फाइनल नहीं गाती, कोई दूसरा गाता है, ऐसा नहीं कि सब हाँ, ऐसे नहीं, 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 नहीं कि नहीं, नहीं, मैं हाँ। स्क्रैच तो नहीं गाती हूँ, हस्बैंड के लिए गा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, नहीं, नहीं हाँ। लेकिन गाने का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए गाना पड़ता है, तब कभी कोई दूसरे सिंगर गाते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हर गाने के लिए एक सिंगर है, तो उसमें मैं ही घुसूँ, हस्बैंड है तो मैं ही गाऊँ, ऐसे कोई बात। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, कोई सनफ्लावर किसी को पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है, लेकिन हर फूल डिफरेंट है, तो इसी में देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी क्रिएशंस कर रखी है, तो हम भी कुछ अच्छा क्रिएट करें, बनस्बत हम डिवाइड हो आपस में, है ना। तो ये गाना इसके लिए बनाया गया है। सिंस मैम यहाँ पर है तो अगर दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में हमारी ऑडियंस में। जरूर 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 जरूर, बहुत अच्छी बात। मुझे एक्चुअली ठीक है, मैं गा देती हूँ, अगर कुछ लिरिक्स का वो है तो विकास संभाल लेना। ना रुकियो ना झुकियो है ये अंदाज फकीरां दा, मन भटके कहीं अटके तो करियो ख्याल ज़मीरां दा। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ इत्थे रहना, ओ मलंगा मस्त मलंगा, हाँ ओ मलंगा मस्त मलंगा। थैंक यू वेरी मच। किराना है मेरा मुझसे बड़ा रईस न कोई, ये वर्ड्स मेरे हैं लेकिन करेक्टर ये हैं, किरदार ये हैं। कि अंदाज फकीराना है मेरा मुझसे बड़ा रईस न कोई, और मैं हूँ 20 नहीं किसी से, 19 भी सुना है ना आपने, मैं हूँ 20 नहीं किसी से पर मुझसे है 21 न कोई, ये वो शख्सियत। तो ये जानेशार भाई के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, बस और